राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या के तेजी से बदलते स्वरूप एवं भव्य प्रवेश द्वारों के नए निर्माण कार्यों के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूँगा। त्रेतायुगीन तर्ज पर बने अयोध्या के भव्य प्रवेश द्वारों पर एक ही रामायण प्रसंग इस स्मरण में आता है कि गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही राम कृपा करि चितवा जाही, यानी प्रभु श्री राम की अपनी कृपा दृष्टि से एक बार जिसे देख लेते हैं उसके लिए सुमेरु जैसा विशाल पर्वत रज के समान सूक्ष्म हो जाता है, और प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि में आने के बाद उस जीव के लिए सब कुछ संभव हो जाता है और कुछ भी असंभव नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रभु श्री राम का प्रिय बनकर प्रभु की कृपा दृष्टि अर्जित करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा दृष्टि हमें हमेशा प्राप्त होती रहे और हमारा जीवन मधुर एवं सुंदरता से परिपूर्ण रहे। प्रभु श्री राम के दिव्यतम मंदिर की ओर जाने के मुख्यतम मार्गों में से एक रामपथ के एंट्री पॉइंट पर अयोध्या की संस्कृति और इतिहास को समेटे भव्य प्रवेश द्वार का यहाँ पर आपको दिव्यतम स्वरूप दिख रहा होगा, और यहाँ पर भगवान गरुड़ इसके मध्य बिंदु पर हाथ जोड़े खड़े हैं, और इनकी जो आभा और सुंदरता है वह काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर जो धनुषाकृति है वह धनुषाकृति पूर्णतया रामायण प्रसंगों से पूर्णतया सज्जित है, और यह रामायण प्रसंग रामायण के विभिन्न कथानक प्रसंगों पर आधारित है, और जिसमें रामायण काल की प्रमुख कलाकृतियाँ भी यहाँ पर निर्मित की गई हैं। और इतनी सूक्ष्म और सुंदर ढंग से यहाँ पर जो कलाकृतियाँ निर्मित की गई हैं वह आपको त्रेतायुगीन अयोध्या का एक गौरवपूर्ण स्मरण कराने में सहायक सिद्ध होंगी। सामने आप देख सकते हैं कि विशाल धनुषाकृति इन तीन पिलर्स पर टिकी हुई है, और इसमें यदि किनारे के पिलर्स को देखें तो यहाँ पर विशेष FRP तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि धर्मपथ मार्ग के मुख्य सूर्य द्वार के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है। और यहाँ पर जो पिलर्स हैं इनमें बहुत ही बारीक तराशी एवं नक्काशी की गई है, जिससे यह मार्ग अत्यंत खूबसूरत एवं दिव्य प्रतीत हो रहा है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रवेश द्वार से ठीक सामने आपको कितनी सुंदर यहाँ पर फुलवारी दिख रही है, जहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे गमलों में अद्भुत तरीके से अनेक प्रकार के पुष्प एवं पौधे लगाए गए हैं, जो कि इस मार्ग की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। और यह पौधे कोई साधारण पौधे नहीं हैं, बल्कि इनको देश विदेशों से मंगाया गया है, और भारत के सभी राज्यों से लाए गए यह पौधे अत्यंत अद्भुत हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में अयोध्या को पूरी तरीके से ग्रीन सिटी के तौर पर निर्मित किया जाएगा। इस खूबसूरत प्रदेश में यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर गमलों को कई लेयर्स में लगाया गया है, और इसे कई लेयर्स में लगा करके इसमें अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, जो कि इसमें कुछ फूलों के पौधे हैं और कुछ हरे भरे पौधे हैं, यानी अनेक प्रजाति के पौधे कई लेयर्स में लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी अधिक सुंदर एवं दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। और आने वाले बरसात के दिनों में इन पौधों की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाएगी, और वर्तमान में काफ़ी अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर पौधों को लगातार जल से सिंचित किया जा रहा है। विशाल धनुषाकृति से सुसज्जित यह भव्य प्रवेश द्वार आपको सदा यह स्मरण कराता रहेगा कि अयोध्या दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों की धरती रही है। यहाँ पर प्रभु श्री राम एवं राजा भरत जैसे श्रेष्ठ धनुर्धरों ने इस धरती का नाम संपूर्ण विश्व में प्रकाशित एवं आलोकित किया, और प्रभु श्री राम का जो पराक्रम एवं उनका धैर्य और जो मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र था उससे संपूर्ण विश्व काफ़ी अधिक प्रभावित एवं उसको सदैव फॉलो करने का प्रयास करता है। करोड़ों की लागत से बने इस भव्यतम प्रवेश द्वार के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो लखनऊ एवं गोरखपुर
राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे की ओर जाने पर यानी अयोध्या के एंट्री पॉइंट पर ही यह भव्य प्रवेश द्वार आपको सामने ही से ही दिखाई पड़ेगा। और यह भव्य प्रवेश द्वार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर का सबसे मुख्यतम मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ बाईं ओर दिखाई पड़ेगा। और वहीं से लगभग 600 मीटर की दूरी पर आप प्रभु श्री रामलला के देवतम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और इस मार्ग की जो सबसे बड़ी खास बात है कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर चौड़ीकरण कार्य भी चल रहा था, और इस भव्य प्रवेश द्वार को बनाने का जो उद्देश्य है वह अयोध्या के त्रेता युगीन भव्यतम स्वरूप को पुनर्जीवित करना है। और इसमें मुख्य रूप से संपूर्ण अयोध्या में कुल 6 प्रवेश द्वारों को निर्मित किया जाना है, और वर्तमान में अभी तक केवल 2 प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य ही पूर्ण हो पाए हैं। और इसमें 4 प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य अन्य सभी राजमार्गों के मुख्य प्रवेश द्वार यानी एंट्री पॉइंट पर किए जाएंगे। और लगभग करोड़ों की लागत से निर्मित यह प्रवेश द्वार अत्यंत खूबसूरत एवं मनमोहक हैं। और इसके साथ साथ प्रवेश द्वारों के अगल बगल यहाँ पर रामायणकालीन वृक्षों के लगाए जाने की भी चर्चा की जा रही है, और साथ ही 2 प्रवेश द्वारों के आसपास बड़ी संख्या में रामायणकालीन वृक्ष भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर बेहतरीन बागवानी स्थापित करके इस क्षेत्र को काफ़ी अधिक सुंदर एवं सुगम बनाने का अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। इस प्रवेश द्वार के निचले बिंदु की पट्टियों को आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ राम नाम की आकृति दोनों ओर पूरी श्रृंखला में बड़ी संख्या में लिखी हुई है, और आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह काफ़ी अधिक सुंदर एवं मनमोहक प्रतीत होती है। दोस्तों, अयोध्या के तेजी से बदलते स्वरूप एवं भव्य प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्यों के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, और डिज़ाइन इसका पूर्णतया रामायण थीम पर आधारित है, और यह अयोध्या की संस्कृति एवं इतिहास को भी दर्शाता है। और अयोध्या श्री राम की नगरी है, राजा राम की नगरी है, और त्रेता युग में यह धनुर्विद्या का प्रमुख केंद्र भी रहा है, और श्री राम और उनके भाई धनुर्विद्या के बड़े महारथी रहे थे, और उसी की तर्ज पर यहाँ पर धनुष आकृति के भव्य प्रवेश द्वार को दर्शाया गया है। और जानकार यह भी बताते हैं कि धनुष बाण एक शास्त्र है, और इस पर दिव्य अस्त्रों का संधान किया जाता है, और इसमें प्रभु श्री राम, परशुराम, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य जैसे 25 दर्जन जैसे ऐसे महायोद्धा थे जो शस्त्र पर अस्त्र यानी दिव्यास्त्र प्रकट करने की क्षमता रखते थे। और रामायण और महाभारत के अनुशासन पर्व में इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से आपको देखने को मिल जाएगी, और यह अयोध्या का एक बहुत ही सुंदर एवं सुनहरा इतिहास है। इस भव्यतम प्रवेश द्वार की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके निर्माण की लागत 3 करोड़ के आसपास है, और यह द्वार 2 लेन के 3 मोटे खंभों पर बना हुआ है, और इसके ऊपर प्रत्यंचा यानी आपको धनुष दिख रहा होगा, और बीचों बीच में त्रिशूल का यहाँ पर बाण दिख रहा है, और इसकी नोक पर दिव्यास्त्र का यहाँ पर बेहतरीन आभामंडल इस पूरे वातावरण को दिव्य स्वरूप प्रदान करता है, और इस पर ओम की आकृति इसको अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक बना देती है। इन प्रवेश द्वारों को निर्मित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य रूप से पर्यटन को विकसित करने का है, और यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और श्रद्धालु और पर्यटक जब इस धनुष बाण के नीचे श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें यहाँ पर दिव्यता का अनुभव होता है, और अयोध्या के अतीत की संस्कृति पर शोध का इसमें नया आयाम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और इसके विषय में विकास प्राधिकरण एवं निर्माण समिति द्वारा कई प्रकार के उपक्रम किए जा रहे हैं।
वर्तमान में अयोध्या में 32,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं संचालित हैं, जो कि अयोध्या को विश्व पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, त्रेतायुगीन अयोध्या के दिव्यतम स्वरूप एवं बदलते परिवेश के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।